तो आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, किस तरह से इस दुनिया के अंदर हम ना चाहते हुए भी वो कार्य कर बैठते हैं जो कि हम नहीं करना चाहते लेकिन कर बैठते हैं, जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज सच अ थॉरो कंडीशनिंग। जैसे एक बार एक समय एक व्यक्ति था, वो गाड़ी चला के जा रहा था और एम्बुलेंस चला था बेसिकली वो। सो एम्बुलेंस में पीछे उसने कोई मरीज रखे हुए थे, चला रहा था तो ना सामने से एकदम से कोई आ गया तो एकदम उसको ब्रेक लगानी पड़ी। ब्रेक लगाई उसने तो पीछे से जो मरीज था वो चिल्लाया तो ड्राइवर की आंखों खिंचा के थप्पड़ लगाया उसको। क्या थप्पड़ क्यों लगाया आपने? कहते इससे पहले ना मैं कब्रिस्तान में कार्य करता था और कब्रिस्तानी गाड़ी चलाया करता था, तो मुझे अब तक यही आदत थी कि मेरे पीछे ना एक मुर्दा लेटा हुआ है, क्योंकि मुर्दा चिल्लाया, मैंने कहा मुर्दा कैसे चिल्लाया, तो मैं खिंचा के थप्पड़ लगा दिया। तो उसी क्या है, ये कंडीशनिंग है, वास्तव में उसी कंडीशनिंग है ये। जैसे कि इंडियन लेडी थी, वो यहाँ पर गाड़ी चलाया करती थी, जब वेस्ट में गई उसको पता नहीं था कि ना इंडिया में जो ट्रैफिक चलता है वो लेफ्ट साइड में चलता है और यूएसए में जो ट्रैफिक चलता है वो राइट साइड में चलता है। अब वो लेफ्ट में गाड़ी चलाए, सामने से गाड़ियाँ, यहाँ से गाड़ी, यहाँ से आ रही गाड़ी आ रही, और वो सोच रही कि ना ये तो पागल हो गए, ये लोग उल्टी डायरेक्शन में चला रहे हैं। उसके बाद पुलिस वाला भी कह रहा है, एक्सक्यूज मी मैम, यू आर पे द चालान, बट व्हाई? कहते हैं ये लोग गलत दिशा में चला रहे हैं ये लोग गाड़ी। नाउ यू आर ड्राइविंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। जो इस लेडी की कंडीशनिंग क्या है, टू ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड। इनफैक्ट जितने इंडियंस जाते हैं यूएसए में, शुरू में जब गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये जाती है कि ना इंडिया में हम लोग इस साइड बैठते हैं, राइट? इस साइड व्यक्ति बैठता है, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति बैठता है, लेकिन यूएसए के अंदर यहाँ चलानी होती गाड़ी, आपको गियर इस तरफ है, तो दिक्कत ही जाती है, यार गियर यहाँ पर आगे, पहले तो यहाँ था। कंडीशनिंग तो इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं पीपल गेट कंडीशन। सो वैसे भले हमने ऐड देखी होगी, आजादी दिल की, यस पेप्सी, कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन एक्चुअली देखिए ना, दुनिया मुट्ठी में आबादी है और आजादी दिल की यहां पर है नहीं। तो ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट सुनने को मिलता है, आजादी दिल की, कहां आजादी दिल की, कहां आजादी दिल की? कितने लोग हैं, कितनी आदतों से मजबूर हैं, कितने लोग हैं जो सुबह उठ नहीं पाते, भगवान के लिए नहीं, अपनी हेल्थ के लिए नहीं उठ पाते। इवन किसी को चर्बी पिघलानी हो, जैसे किसी का ट्रैक्टर का टायर इकट्ठा हो गया यहाँ पर, अब ट्रैक्टर का टायर उसको साइकिल का टायर करना है, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, उसके लिए सुबह तो उठना पड़ेगा ना। लोग सुबह नहीं उठ पाते, कंडीशनड, इतने थॉरली कंडीशन। इनफैक्ट देयर आर वेरियस काइंड ऑफ अलार्म क्लॉक्स अवेलेबल इन द मार्केट कि शायद लोग उससे उठ जाएं। जैसे एक अलार्म क्लॉक है, उसमें ना 10 पिन लगे हुए हैं, जैसे अलार्म बजता है 10 पिन हवा में उछलते हैं, और जब तक आप सारे पिन ढूंढ करके वापस अपनी जगह नहीं लगाएंगे तब तक अलार्म बंद नहीं होगा, बजता रहेगा ट्रन 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 ट्रन, हो कहाँ है सारे पिन, जब तक व्यक्ति ढूंढता है फिर उसकी कहीं नींद खुल पाती है। ऐसे ही जिक्सो पजल वाले अलार्म क्लॉक भी आते हैं, जब तक आप जिक्सो पजल वापस सॉल्व नहीं करेंगे, वो जिक्सो पजल है, जैसे अलार्म बजेगा थाड़ सारे पीसेस यहाँ वहाँ हो जाएंगे, आपको सबको जोड़ करके ये पीस कहाँ का यहाँ, जब तक जिक्सो पजल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका वो अलार्म बजता रहेगा। ऐसे अलार्म क्लॉक भी आते हैं। एक अलार्म आता है, मतलब वो पूरा होलिस्टिक वाला अलार्म क्लॉक है वो, उसके अंदर है कि अगर आप सो रहे हैं तो पहला अलार्म जो बजेगा, अलार्म बजेगा उसके अंदर, आप नहीं उठ रहे हैं, आप नहीं उठते तो उसमें क्या होगा, जो आसपास है, जो दीवारें हैं उनमें रोशनी हो जाएगी, ऐसे दोपहर का समय हो गया, सूर्य निकल आया है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और पेड़ हैं आसपास, कि भैया अरे उठ जाओ अब तो दोपहर हो गई, तो आसपास जो है इतनी तेज़ रोशनी हो जाएगी कि व्यक्ति उठ जाए। मान लो उसने सिरहाना लिया, उसने सिरहाना अपने सर पे रख लिया कि नहीं मैं नहीं उठ रहा अभी, तो उसमें फिर एक और मोड है, वो है पानी का मोड, पानी जो है वो टप टप करके गिरना शुरू होता है, तो टप टप करके गिरेगा तो फिर उसमें उठ जाए। मान लो उसमें बंदे ने यहाँ से वहाँ हो गया कि ठीक है पानी मेरे ऊपर नहीं गिरेगा, मैं वहाँ सो जाऊँगा वैसे करके, तो लास्ट है उसमें इजेक्ट मोड, आप समझ सकते हैं इजेक्ट मोड में क्या होगा। सो इज थ्रोन आउट ऑफ द बेड, बेड के अंदर ऐसा सिस्टम है, सो दैट पीपल कैन गेट अप। तो कंडीशनिंग इतनी थॉरो होती है लोगों के अंदर कि जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, जो नहीं करना चाहिए बार बार कर बैठते हैं, गिल्ट भी आता है, क्यों किया फिर करते हैं, ये हाल है। और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते, सुबह उठना चाहिए नहीं उठ पाते,
गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा कर बैठते हैं. सो दैट इज वी सी दैट पीपल आर कंडीशन इन दिस वर्ल्ड. व्हाट दे वांट टू डू दे आर नॉट एबल टू डू. माइकल जैक्सन के पास इतना पैसा था दैट ही वांटेड टू लिव फॉर 100 years, कि मैं 100 साल जीऊंगा. अब दिक्कत क्या थी, अच्छा 100 साल क्या करेगा तू 100 साल? तो माइकल जैक्सन का मानना था कि मैं 100 साल भोग करूंगा. लेकिन भोग करने के साथ ट्विस्ट ये है, जितना भोग करते हैं उम्र आपकी कम होती जाती है. लेकिन मेरे को तो जीना है, मुझे तो 100 साल जीना है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए योग करना पड़ेगा, भोग छोड़ने पड़ेंगे. अरे यार मेरे को उम्र लंबी करनी है, उम्र लंबी करने के लिए इंद्रिय तृप्ति छोड़नी पड़ती है. लेकिन उम्र लंबी चाहिए क्यों इंद्रिय तृप्ति करने के लिए? ये तो डेडलॉक सिचुएशन है. सो ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा, आई विल एंजॉय टू द फुलेस्ट. लेकिन वो टू द फुलेस्ट क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहा? क्योंकि जो भोग करेगा उससे उम्र और कम हो जाएगी. इनफैक्ट जितनी हम अपनी वाइटल एनर्जी फॉर सम चीप थ्रिल्स, जितनी ज़्यादा अपनी वाइटल एनर्जी गंवाते हैं उतनी ज़्यादा हमारी उम्र कम होती है. बल्कि बुढ़ापा जो है बहुत ही कष्टदायक होता है ऐसे लोगों का. सो माइकल जैक्सन की जो इच्छा थी दैट आई वुड एंजॉय फॉर 100 years, ही कुड नॉट. मुश्किल से 50 साल की जिंदगी. तो जो हम करना चाहते नहीं कर पा रहे, ऐसा है. हमने क्रिस्टोफर रीव का नाम सुना है? क्रिस्टोफर रीव वाज सुपरमैन. सुपरमैन का रोल प्ले किया करता था वो, जिम जाया करता था. ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट बॉडी, क्रिस्टोफर रीव. लेकिन इस समय घोड़ा चलाते चलाते घोड़े से गिर गए थे, स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हुई, फ्रैक्चर हुआ. उसके बाद व्हील चेयर में सुपरमैन आ गए. ही वॉज ऑन व्हील चेयर. वाओ. मोहम्मद अली, मोहम्मद अली नाम सुना है मोहम्मद अली का, द ग्रेट बॉक्सर. जब कभी मोहम्मद अली रिंग में प्रवेश करते थे तो मतलब जितना भी क्राउड है वो हूटिंग करता था. आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई स्टिंग लाइक अ बी, आई स्टिंग लाइक अ बी, आई एम अनडिफीटेड, आई एम अनडिफीटेड. मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली. ये मोहम्मद अली की एंट्री हुआ करती थी. लेकिन यही मोहम्मद अली को जब पार्किंसंस डिसीज हो गया तो वो कॉफी का मग नहीं उठा पाते थे. अब उनका हाथ है, कांपता रहता है, मग कैसे उठाएंगे? सो आई एम अनडिफीटेड मोहम्मद अली, आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई स्टिंग लाइक अ बी, आई एम अनडिफीटेड मोहम्मद अली. तो वही मोहम्मद अली आज पानी का गिलास नहीं उठा सकते क्योंकि हाथ कांप रहे. So conditioning. In fact, Muhammad Ali, he used to say that I am the greatest. But later on, when he became more spiritual and he realized that how we are conditioned, hamari body jo hai, bhale kitni strong ho jaye, kitni stout ho jaye, we are always conditioned. So then he used to say, yes, I am the greatest. But I am the greatest fool who used to think that I am greatest. No, God is greatest. He is the greatest. So hum dekhte hain, duniya ke andar people are conditioned. एनिमल किंगडम तो खैर पूरी तरह से कंडीशन है. जैसे अगर शेर को बोला जाए पिज्जा, ये पापा जोन्स पिज्जा, पिज्जा हट पिज्जा, खा ले पिज्जा, खाएगा वो कंडीशन है मीट खाने के लिए. भले ही कितना टेस्टी या मिलीशियस पिज्जा बना के लेकर के आए शेर के लिए, लेकिन शेर की कंडीशनिंग है कि वो मांस ही खाएगा. और भले ही कोई सीख कबाब और रुमाली रोटी लेकर के आए हिरण के सामने, लेकिन हिरण की भी कंडीशनिंग है कि वो घास फूसी खाएगा. सो दैट वेज हम देखते हैं दुनिया के अंदर आपको जानवर तो पूरी तरह से कंडीशन, बिकॉज ये तो भोग ही नहीं है. इवन मनुष्य में भी अगर हम देखें ना, वी आर कंडीशन इन सो मेनी वेज. सो वी आर कंडीशन बाय 3 मोड्स, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण. सबसे ज्यादा जो डीप कंडीशनिंग होती है वो होती है तमोगुण के अंदर. तमोगुण में व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाता ढंग का. अब इतने तमोगुणी लोग हैं ना, इनको आप एजुकेट नहीं कर सकते, कुछ समझा नहीं सकते, नहीं समझने वाले. या तो उनको गुस्सा आ जाएगा या कहेंगे भाई दारू पीनी है मेरे को, आया तो क्या बोल रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा भाई. जो तमोगुणी लोग होते हैं दे आर सो मच डीपली कंडीशन. जैसे बच्चा होता है ना माँ की कोख में, एकदम डीपली कंडीशन है वो, हिल नहीं सकता वो, थोरो कंडीशनिंग में होते हैं ऐसा. रजोगुणी लोग होते हैं वो कंडीशन होते हैं इच्छाओं से. उनके मन में इतनी इच्छाएं होती हैं, इतनी इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाओं से इतने ज्यादा कंडीशन है कि जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते. रीजन भी उनसे उनकी इच्छाएं वो काम कराती है जो वो नहीं करना चाहते. उनकी इच्छाएं नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं. ये रजोगुणी की कंडीशनिंग है.
सत्वगुण में कंडीशनिंग होती है, लेकिन सत्वगुण में फिर भी व्यक्ति सोच पाता है, उसमें कुछ धैर्य होता है, कुछ विवेक होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक होता है सत्वगुण के अंदर। लेकिन सत्वगुण के अंदर भी कंडीशनिंग थोड़ी बहुत रहती है, पीपल गेट कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड और ऑफ कोर्स दे हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स नॉलेज, सो दे आल्सो हैव कंडीशनिंग, बट दिस कंडीशनिंग इज बेटर देन द अदर्स। कम से कम मोड ऑफ गुंडनेस वाला व्यक्ति जो है ही कैन बी एजुकेटेड, ही कैन बी अपग्रेडेड, ही इज ट्रेनेबल। तो इसीलिए अपलिफ्ट करने के लिए हमें कंडीशनिंग से थोड़ा फ्री होना पड़ता है। रजोगुण तमोगुण के अंदर कंडीशनिंग इज वेरी वेरी थॉरो, वेरी वेरी थॉरो। तो इसीलिए व्यक्ति जो है अपने आप को आगे बढ़ा नहीं पाता, अपने आप को आगे खींच नहीं पाता, प्रगतिशील नहीं हो पाता वो। क्यों? क्योंकि डीप कंडीशनिंग है बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो इसे कंडीशनिंग भी कैसी होती है, एक होती सिंपल, एक होती सीरियस, एक होती सीवियर। एस फॉर सिंपल, एस फॉर सीरियस, एस फॉर सीवियर। एस फॉर सिंपल कंडीशनिंग, सिंपल कंडीशनिंग है लाइक से फॉर एग्जाम्पल चोरी करना, कुछ लोग चोरी करना अच्छा लगता है, जैसे कहीं बच्चे होते हैं ना स्कूल में चोरी कर लेंगे, इसका पेंसिल बॉक्स चुरा लेंगे, पेंसिल ले लेंगे, पेन चुरा लेंगे, भले बाद में वापस कर देंगे, लेकिन अच्छा लगता है चोरी करके, अच्छा लगता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो चोर था असल में, तो पुलिस से बचता बचाता भक्तों के बीच में घुस गया वो, तो साधु संत महात्मा थे उनके साथ रहा करता था, अभी उनको पकड़ ना ले अपना चोला ऊपर ऐसे उसने ओढ़ा हुआ था, उनके साथ ही चला करता था वो, और सर ढका हुआ था ऐसे रहा करता था वो, उन्हीं के साथ ही उठता बैठता खाता पीता, उनके प्रवचन सुनता, उनसे कीर्तन सुनता, तो ऐसे ही रहा उसका हालचाल। एक समय क्या हुआ, सबकी रात को बारी लगा करती थी कि कौन रक्षा करेगा सामान की, जब साधु बाकी संत महात्मा सो रहे हैं तो कौन देख रेख करेगा। तो ना इसकी बारी लगी एक बार कि भैया तुम रात को देखो, हम लोग सब विश्राम कर रहे हैं। तो इसकी बारी लगी, इसकी जब बारी लगी तो इसने देखा सारे संत लोग, साधु संत महात्मा लोग सो रहे हैं, उन्हीं गठरियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं जिसमें उनका दान का पैसा भी है, थोड़ी किताबें भी हैं। तो फिर से ना उसके पुराने संस्कार जग गए, अरे यहाँ ये लोग सो रहे हैं, इन्हीं गठरियाँ यहाँ पर हैं, लेके भाग जाता हूँ, नहीं भाग जाता हूँ। फाइनली वो गठरी लेकर के भाग गया। तो सुबह सुबह संत महात्मा लोग उठे, उन्होंने कहा अरे भाई हमारा सामान कहाँ चला गया, अरे सामान कहाँ चला गया भाई वो, अरे यहीं तो रखा था, अरे सामान कहाँ चला गया वो। कहता अरे भाई वो बंदा कहाँ है जो देख रहा था सामान को, कहता वो भी गायब है। कहता ओ हो, लगता वही लेके गायब हो गया वो। तो फिर उसके बाद ये बंदा आ गया फिर से, कहता अरे भाई हमारे सामान का क्या, तुम देख रहे थे ना रात को हमारा सामान। कहता हाँ जी मैं ही देख रहा था। तो कहाँ है सामान, कहता ये रहा सामान ला के रख दिया। कहता अरे हम तो वैसे ही शक कर रहे थे तुम्हारे पे, तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो। कहता नहीं मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, आप ही गठरी मैंने ही चोरी की थी। कहता अच्छा तुमने चोरी की थी, ऐसा क्यों किया तुमने। उसने कहा कि ना मैं पहले चोर था, ये तो मैं पुलिस से छुपते छुपाते यहाँ पर आकर के आपके बीच में रहना शुरू कर दिया मैंने, तो मेरी जो पुरानी आदतें थी वो अब कमज़ोर पड़नी शुरू हो गई थी। लेकिन रात को जब मौका मैंने देखा कि ना आप सब लोग यहाँ सो रहे हो, गठरियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं, तो मेरे पुराने संस्कार फिर से जग गए थे, तो इससे फिर मैं लेके भाग गया था। तो संत महात्मा ने कहा फिर तुम लेके भाग गए थे तो तुम फिर वापस क्यों आ गए, लेके फिर भाग जाते। उसने कहा लेकिन मैंने आप लोगों का संग कर लिया है ना, तो मेरी कुछ आदतें अब आपकी जैसी हो गई हैं, तो इसीलिए उन संस्कारों की वजह से जो कि मैंने आप लोगों से रिसीव किए हैं, इसलिए फिर मैं ये गठरी वापस करने के लिए आ गया। तो कुछ सिंपल हैबिट्स भी होती हैं, जैसे कुछ लोगों ने ये आदत होती है, बात करेंगे ना ऐसे बात करेंगे फिर पता क्या, फिर ना मैं जैसे उससे मिला वो ना मुझको बोला, आदत है। कुछ लोग आदत होती है प्रोकैस्टिनेट करने की, कल करते हैं इसको यार, हाँ करेंगे ना मना थोड़ी कर रहा हूँ यार, कल करेंगे इसको, एक आदत है। जैसे कुछ काम सामने आएगा क्या बोलेंगे, करेंगे कल करेंगे। हमारे युग का नाम क्या है, कलयुग। तो काम कब होंगे, कल करेंगे। आदत है यार। कुछ लोग आदत होती है उंगली रहेंगे ना नाक डालते रहेंगे, और पता क्या हुआ फिर सामने हो रहा हो, हाँ तो क्या क्या बोल रहे थे आप। हमारे फिजिक्स के सर थे, वो चश्मा बात लेके ऐसे बात समझाएंगे, तो इस प्रकार से न्यूटन लॉ ऑफ मैकेनिक्स
कहते हो ये न्यूटन लॉ ऑफ मैकेनिक्स यहाँ का कर रहा है भाई, न्यूटन लॉ ऑफ मैकेनिक्स। पर ये आदत थी जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझाएंगे, सो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ क्या है, गॉड। अब कुछ की आदतें होती है ऐसी, ऐसी आदत होती है उन लोगों की। सो दैट इज, ये तो हो गई एक सिंपल कंडीशनिंग हो गई, ठीक है जी। और इससे ज्यादा सीरियस कंडीशनिंग भी होती है। सीरियस कंडीशनिंग में आता है ऐसे वॉइस ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशा करना, ये और सीवियर कंडीशनिंग है। ड्रग एडिक्शन की वजह से कितने बच्चे हैं, दे स्पॉइल देयर करियर। वी हैव वन ऑफ द कॉलेजेस हमारे मंदिर के बगल में ही है, इस्कॉन द्वारका के बगल में। वहां पर देयर वाज वन स्टूडेंट, ही वाज परफॉर्मिंग रेगुलरली, वेरी गुड। आखिरी साल में आकर जब थोड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, सब्जेक्ट्स कम होते हैं, सो ही हैड सम फ्री टाइम ऑल्सो। तो प्रोजेक्ट उसका पूरा हो चुका था, सब्जेक्ट तीन चार ही थे, सो ही देन गॉट इनटू दिस ड्रग एडिक्शन। आखिरी के दो तीन महीने बस, दैट्स इट। उसकी वजह से पहले तीन साल में ही वॉज रैंक वन, नाउ ही गूफ्ड अप इन सम ऑफ द सब्जेक्ट्स। फाइनल ईयर में अगर वो गूफ्ड अप करे तो क्या हो जाएगा, चार साल की इंजीनियरिंग का क्या होगा फिर, वो पांच साल की हो जाएगी वो, अब अगले साल दो जी फिर से। ही वॉज सो डिप्रेस्ड दैट ही अटेम्प्टेड सुसाइड, उसमें उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया उसने। लेटर ऑन ऑफ कोर्स ही केम इन टच विद द डिवोटीज फाइनल ईयर में, सो ही वॉज सेव्ड। बट द पॉइंट इज दैट कि ये भी एक तरह की कंडीशनिंग होती है, विच इज मोर सीरियस कंडीशनिंग, जिसमें कि द पर्सन इज एडिक्टेड टू ड्रग एडिक्शन। अब आजकल दिस हैज बिकम वेरी कॉमन, कहते हैं अब यार वो सिगरेट से हमारा काम चलता नहीं है, मैरिजुआना, एलएसडी, हेरोइन, क्वाइट कॉमन। और हेरोइन तब से चली आ रही है और आज भी हेरोइन चलती है एक्चुअली, एंड हेरोइन का एडिक्शन सबसे ज्यादा होता है। सो पीपल गो फॉर दिस केमिकल एडिक्शन, कहाँ जाएंगे, अच्छा इसके लिए जाते भी कहाँ पर है वो लोग, ऋषिकेश। क्या बात है, अच्छा ऋषिकेश क्यों जाते हैं, कहते हैं वहाँ ठंडी ठंडी गंगा नदी बह रही है, उसमें बियर डालेंगे, उस पर रख देंगे, पास में अपना धूप अपना आग सेकते रहेंगे, और साथ में रखी होगी बियर। बियर कहाँ पर है, गंगा के अंदर। मतलब उन्होंने फ्रिज भी किसको चुना है अपनी बियर के लिए, गंगा माई, राम तेरी गंगा मैली हो गई, अब पापी को पाप धो देता। हालांकि गंगा माई मैली तो नहीं होती, लेकिन ऐसे दुष्ट लोग भी पहुंचे होते ऋषिकेश। ऋषिकेश है का तीर्थस्थल और वहां पर लोग पहुंचे हुए। सो ऋषिकेश, हरिद्वार, या ऊपर अगर हिमाचल साइड में जाएं, पंजाब साइड में, उड़ता पंजाब, अभी उड़ता पंजाब नहीं है, अब उड़ता पंजाब के साथ पूरा भारत उड़ता हुआ हो गया अब तो, बिकॉज नाउ ड्रग एडिक्शन इज नॉट जस्ट इन पंजाब, एक्चुअली पंजाब हरियाणा, वाई इट बिकेम द प्राइम टारगेट। रीजन बिंग, सबसे ज़्यादा लोग आर्मी के अंदर अगर पार्टिसिपेट करते हैं, अगर ज्वाइन करते हैं आर्मी के अंदर, दे ज्वाइन फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा। तो अगर हम पंजाब और हरियाणा के यूथ को भूत बना देंगे ड्रग्स के चंगुल में, तो हु वुड गो एंड ज्वाइन आर्मी, भाई सारे पड़े हुए हैं अब। इनफैक्ट जो चाय के ठेके हैं, लोग चाय के ठेके में ना, उनकी दुकानें खराब हो गई, कहता कोई नहीं आता जी यहाँ पर, कहते क्यों, कहता अब सब मैरिजुआना एलएसडी वाला नशा करते हैं, निकोटीन वाला कोई नशा नहीं करता अब, लोगों ने चाय छोड़ दी है अब। अच्छा चाय छोड़ दी, अच्छा नशा छोड़ दिया, नहीं सर बढ़िया वाला नशा कर रहे हैं और ज़्यादा। सो इसीलिए पहला अटैक कहाँ से हुआ, कहाँ पर हुआ, हरियाणा में और पंजाब में, ताकि यहाँ के लोगों को ड्रग एडिक्ट बना देंगे तो ये लोग आगे जा करके आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे, आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे इंडिया वैसे कमज़ोर पड़ जाएगा, दैट्स इट। करंटली जितने भी सोल्जर्स के मामले में इंडिया इज वर्ल्ड्स नंबर वन, इवन मोर देन चाइना। एक्टिव सोल्जर्स, चाइना के अंदर इनएक्टिव सोल्जर्स भी, एक्टिव सोल्जर्स भी हैं। इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स चाइना इज नंबर वन, लेकिन अगर एक्टिव सोल्जर्स की बात करें इंडिया इज नंबर वन। लेकिन सोल्जर्स की अगर संख्या कम करनी है, वेरी सिंपल, ड्रग एडिक्शन में डालो यार लड़कों को और क्या, दैट्स इट। सो ये भी एक तरह की कंडीशनिंग है, और इससे होता क्या है, दे बिकम डल। अब जितने बच्चे एनडीए का एग्जाम वगैरह देते हैं उसके अंदर उनकी मेंटल अलर्टनेस देखी जाती है, लेकिन मेंटल अलर्टनेस किससे कम होती है, ड्रग से। ड्रग एडिक्शन के बाद आके मेमोराइजेशन, रिकलेक्शन, क्विक एक्शन लेना, ये डिसीजन मेकिंग, ये सब पुअर हो जाती है बाय ड्रग एडिक्शन। सो दिस इज सीरियस, ठीक है, ये और सीरियस हो गया। फिर इसके बाद आता है सीवियर, सिंपल सीरियस एंड सीवियर कंडीशनिंग। जो सीवियर कंडीशनिंग है दैट इज पर्टेनिंग टू सेक्स लाइफ, इसकी कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा थोड़ा होती है। इसमें आप देखो बाकी आदतें लोग छोड़ लेते हैं, लेकिन जो आदतें सेक्सुअलिटी से कनेक्टेड हैं इनको छोड़ने बहुत टाइम लग जाता है। रीज़न बीइंग, हमने बाकी और कोई काम हर जन्म में किया हो या ना किया हो,
हमने हौसा जुआ हर जन्म में ना खेला हो, मीट हर जन्म में हौसा ना खाया हो, ड्रग एडिक्शन हमने हर जन्म में नहीं की, लेकिन एक काम तो हर जन्म में किया जाए, दैट इज सेक्स लाइफ। तो इसीलिए सबसे गहरे संस्कार अगर होते हैं दे आर कनेक्टेड टू सेक्स लाइफ। सो समटाइम्स पीपल दे आर सो मच ऑब्सेस्ड विद सेक्स लाइफ कि वो कभी मतलब लाइफ में एक्चुअली ढंग का करना क्या है दे एब्सोल्युटली नो आइडिया, मतलब इवन जानते भी हैं तो भी नहीं कर पाते। देयर वाज वन केस स्टडी वेयर अ पर्सन ही वाज सो मच एडिक्टेड टू सेक्स लाइफ दैट ही वुड सेक्सुअली अब्यूज हिज वाइफ। शादीशुदा आदमी है और उसका सेक्स एडिक्शन इतना ज्यादा सीवियर है दैट ही यूज्ड टू एक्सप्लॉइट हिज वाइफ। सो फाइनली उसकी वाइफ शी वुड हैव सो मेनी वुंड्स ऑन हिज बॉडी जस्ट बिकॉज़ दिस पर्सन इज अ वाइल्ड एनिमल। तो उसने क्या किया, शी जस्ट रैन अवे फ्रॉम द होम, घर छोड़ के भागी, अपने मायके चली गई वापस। अब ये जब वापस आया इसको पता लगा अरे इसकी वाइफ छोड़ के भाग गई है, तो ये भी गया वापस घर मायके गया लड़की के, बोला भाई वापस कर दो मेरी वाइफ है वो। तो लड़की के भाई ने बोला नहीं वो नहीं आएगी, यू आर जस्ट डूइंग टू मच ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, नहीं आएगी वो। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी। तो उसके बाद उसके जो भाई था लड़की का भाई था उसने भगा दिया उसके, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। दिस पर्सन एट नाइट टाइम ही बिकेम सो वाइल्ड विद लस्टी डिजायर्स दैट ही केम विद अ रॉड, रॉड लेकर के आया वो और उसने क्या खिड़कियाँ तोड़नी शुरू कर दी कि वो अपनी वाइफ को जबरदस्ती लेकर के जाएगा। फाइनली जो भाई था लड़की का ही हैड टू फाइट विद दिस मैन और इस फाइटिंग में उसने भी रॉड उठाई, इसने सर पे दी खिंचा करके उसके पति को एंड द पर्सन डाइड ऑन द स्पॉट, ही लॉस्ट हिज लाइफ। बट व्हाई ही वाज हैविंग सच अ सीवियर ऑब्सेशन फॉर सेक्स लाइफ कि इवन अपने प्राण खोने में भी वो उसको दिक्कत नहीं हुई, अपने प्राण तक खो दी उसने बिकॉज ऑफ दिस कंडीशनिंग, डीप सीवियर कंडीशनिंग। और जितना ज्यादा सेक्स लाइफ से किसी की एडिक्शन होती है, इसकी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग होती है, उतना ज्यादा उसकी विवेक शक्ति कम हो जाती है। दैट मीन्स ही कैन नॉट डिसाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, उचित क्या है अनुचित क्या है ये बुद्धि चली जाती है बिकॉज द पर्सन इज स्पिलिंग आउट वंस वाइटल एनर्जी। और क्या होता है, आयु कम होती है, उम्र कम होती है इसमें, और क्या होता है इसके अंदर हमारी विजडम कम होती है, हमारी सात्विकता कम होती है, जो हमारा स्पिरिचुअल एक्यूमन यानी कि आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स को समझने का जो एक हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल आईक्यू होती है वो चली जाती है। वी लूज रिस्पेक्ट फॉर वुमन, स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना खत्म हो जाती है, इवन टुवर्ड्स वंस मदर एंड सिस्टर पीपल आर बिकम व्हेन दे वर सो मच ऑब्सेस्ड विद लस्ट दे डोंट इवन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वंस मदर एंड सिस्टर एंड एन ऑर्डिनरी गर्ल। तो ऐसा हाल हो जाता है व्हेन समबडी इज सो मच सीवियरली ऑब्सेस्ड विद सेक्स लाइफ। तो इसलिए कंडीशनिंग इज देयर बट सिंपल सीरियस एंड सीवियर, सीवियर में आती है विच आर कंडीशनिंग्स पर्टेनिंग टू सेक्स लाइफ लाइक दैट। तो इसीलिए पतंजलि योग सूत्र के अंदर इसको समझाया गया है, जो हमारी कंडीशनिंग होती है तो वाला कैसे होती है, किस वजह से होती है, तो ये इसलिए होती है, रीजन बींग मन के सर्फेस के ऊपर होती है वृत्तियाँ होती हैं। वृत्ति भला क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुंदा हुआ आटा होता है ना, गुंदे हुए आटे के ऊपर अगर आप चक्कू मारते हैं तो क्या होता है वहाँ पर ग्रूव बनता है एक, राइट। उसी के ऊपर दोबारा चक्कू मारे तो और गहरा ग्रूव बनता है, फिर से चक्कू मारे तो और गहरा ग्रूव बनता है। जितनी बार चक्कू जगह से गुजरेगा ग्रूव और गहरा होता जाएगा, और गहरा होता जाएगा, और गहरा होता जाएगा। उसी प्रकार से मन के ऊपर भी ग्रूव्स बनते हैं, जब हम कोई कार्य करते हैं बार 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 बड़ी शिद्दत के साथ बड़ी भावनाओं के साथ तो होता क्या है, वहाँ पर ग्रूव्स बनते हैं और गहरे ग्रूव्स बनते हैं और गहरे ग्रूव्स बनते हैं। और जितने ज़्यादा गहरे ग्रूव्स बनेंगे उतने गहरे वो संस्कार होंगे। अगर संस्कार जो होते हैं संस्कार अगर कम गहरे होते हैं उनको बोलते हैं वृत्ति, लेकिन यही संस्कार जब बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं उनको बोलते हैं वासना। इसलिए अक्सर वासना को लोग सेक्सुअलिटी से कनेक्ट क्यों करते हैं, रीज़न बीइंग सबसे ज़्यादा गहरे संस्कार जो होते हैं वो सेक्स लाइफ के लिए होते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है वासना, लस्ट। हालांकि वासना इज जस्ट संस्कार विच इज़ वेरी वेरी डीप, वो चाहे सेक्स लाइफ के लिए हो या किसी और चीज़ के हो, लेकिन यूजली लोग क्यों कनेक्ट करते हैं सेक्स लाइफ के साथ, रीज़न बीइंग उसके संस्कार वाकई में बहुत गहरे होते हैं, इसीलिए इसको बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन बाकी संस्कार कैसे होते हैं, वो वृत्ति की तरह होते हैं। वृत्ति वृत्ति इज लाइक देयर आर आल्सो ग्रूव्स ऑन द सर्फेस ऑफ माइंड, लेकिन बहुत गहरे ग्रूव्स नहीं होते, लेकिन वो भी ग्रूव्स होते हैं। तो इसीलिए हम जो कार्य करते हैं बार 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 बार, उससे हमारे संस्कार और गहरे होते हैं और गहरे होते हैं। इसलिए अगली बार वो चीज़ करने के लिए ऑब्सेशन और स्ट्रांग होगा और स्ट्रांग होगा।
ऐसी फिलॉसफी है ना जो संभोग से समाधि तक करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, फिर आपका मन भर जाएगा, फिर आप हो गए बस बहुत हो गया, आज से मैं वैराग्य का जीवन जीऊंगा। नहीं सर, कुछ समय के लिए व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो सकता है, अरे बस यार भोग करके उकता गया यार, लेकिन पुराने संस्कार उससे वही कार्य फिर से करवाएंगे। सो संभोग से समाधि तक ये ऐसे लोगों की फिलॉसफी है जिनके खुद के संस्कार इतने गहरे थे कि उनको संभाल नहीं पा रहे थे, जिनके खुद के शरीर के निचले अंग इतने सक्रिय थे कि उनको संभाल नहीं पा रहे थे। तो क्या करें यार, शरीर के निचले अंग तो हम संभाल नहीं रहे, ऐसा करता हूँ, इसको फिलोसोफाइज कर देते हैं। यार संभोग से समाधि तक इतना संभोग करिए, इतना भोग करिए, भोग कर करके कर करके एक दिन आप समाधि में आ जाएंगे। अच्छा, अगर भोग कर करके समाधि में आना होता तो जितनी भी प्रोस्टिट्यूट्स हैं ये सब समाधि में होनी चाहिए थी। तो भाई हमने इतना भोग किया है प्रोस्टिट्यूट्स ने, आप सब की सब बैठ करके समाधि में आ गई, ऐसा क्या? एब्सोल्युटली नॉट। तो इसीलिए जो संस्कारों का खेल है, जो लोग नहीं जानते, ऐसे लोग दे फिलोसोफाइज मोर एंड मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन, मोर एंड मोर एंड मोर। इनसे फिर ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स, ऐसे सो कॉल्ड गुरुज, दे वुड कम एंड दे वुड प्रमोट किए कि ठीक है कभी कभी कर लिया करो, इट्स ओके। नो डाउट, अगर किसी के संस्कार बहुत ज्यादा गहरे हों तो ना चाहते हुए भी कभी ना कभी उससे गलती हो सकती है, लेकिन अगर हमने इस पर टिक मार्क लगा दी ना, हाँ ये ठीक है, तो व्यक्ति कभी भी इससे निकल नहीं सकता। भले ही उससे गलती बार बार हो जाए, लेकिन इसको ठीक है का टिक नहीं लगाना चाहिए, ये मानना चाहिए नहीं गलत हुआ मेरे से, अगली बार भी जब हुआ नहीं मेरे से गलत हुआ, मेरे को सुधारना है अपने आप को, नहीं गलत हुआ मुझे सुधारना है अपने आप को। ऐसे जब हमारी डिटर्मिनेशन रहती है, विच इज रिवर्स डिटर्मिनेशन, देन वी कैन करेक्ट दीज संस्कार्स इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपने इस पर टिक्का लगा दिया ना, अगर ठीक है यार इट्स ओके, कभी कभी तो कर ही सकते हैं यार, इट्स ओके, तब तो गए काम से। तो इसीलिए अगर किसी की बहुत ही थॉरो कंडीशनिंग है, स्टिल द पर्सन कैन डू रॉन्ग, बट ही शुड से दिस वॉज रॉन्ग, वन शुड नॉट से ना ना चिल मार यार इट्स ओके, ना, वन शुड फील गिल्टी। जैसा हम चर्चा करते अपने प्रीवियस सेशन, गिल्ट किसको आता है? जिसका दिल अच्छा होता है उसको गिल्ट आता है। तो गिल्ट को मारना नहीं चाहिए, गिल्ट का मतलब परमात्मा से कनेक्शन हमारा अभी भी बना हुआ है। यस, तो इस प्रकार से ये जो संस्कार है ये कार्य करते हैं, इन्हीं कंडीशनिंग कार्य करती है। लेकिन संस्कार भला जीते कैसे जाते हैं? संस्कार जीते जाते हैं नए संस्कार बना करके। कैसे? नए संस्कार बना करके। जैसे मान लीजिए अगर कोई नदी है, उसका रिवर बेड बना हुआ है, तो नदी कहाँ से बहेगी? रिवर बेड से बहेगी, यहीं से ही बहेगी, रिवर बेड यहीं पर है जी। उसी प्रकार से संस्कारों के रिवर बेड में भावनाओं की नदी बहती है। आई रिपीट, संस्कारों के रिवर बेड में भावनाओं की नदी बहती है, इच्छाओं की नदी बहती है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी नदी अब यहाँ से ना बहे, मेरी नदी अब यहाँ से बहे, मेरी भावनाएं इस संस्कार से ना गुजरें, इस दिशा में ना जाएं, मेरी भावनाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी भावनाएं यहाँ से बहें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब नए संस्कार बनाने पड़ेंगे। आई एम टू क्रिएट न्यू रिवर बेड्स। जब नए रिवर बेड बनाएंगे तो नदी जो है बजाय यहाँ के बहने के अब यहाँ से बहेगी। एक्चुअली इस तरह से, अच्छा फिर अब नदी तो यहाँ से बहनी शुरू हो गई, तो इस वाले रिवर बेड का क्या होगा? फिर सूख जाएगा, फिर हो सकता है यहाँ पर कोई बिल्डिंग बन जाए, कुछ और काम होने शुरू हो जाए, यहाँ मार्केट खुल जाए या कुछ और हो जाएगा, लेकिन अब नदी यहाँ से नहीं बहेगी, अब नदी तो जी अब यहाँ से बहेगी। लेकिन रिवर बेड बनाना आसान होता है? अगर इसको बोला जाए भाई नया रिवर बेड बनाओ, इट्स अ रिपीटेड टास्क, इट्स अ हर्क्यूलियन टास्क, इट हैज टू बी कंसिस्टेंटली डन। जब कंसिस्टेंटली जब हम नए संस्कारों पे कार्य करते हैं तो फिर होता क्या है, फिर हमारी भावनाओं की नदी अब यहाँ से बहती है, अब यहाँ से नहीं बहती। सो ये संस्कार जो है ये ड्राई अप हो जाते हैं। सो इन ऑर्डर टू चेंज द संस्कार, इन ऑर्डर टू कॉन्कर संस्कार, वी हैव टू क्रिएट न्यू संस्कार। और नए संस्कार बनाना जो है ये ओवरनाइट नहीं होता। इसलिए अगर आप कोई किसी पुरानी आदत से अगर आप जूझ रहे हैं, एंड नाउ यू आर कल्टिवेटिंग न्यू हैबिट्स, अब क्योंकि जब तक ये न्यू हैबिट्स बनती हैं, पुरानी हैबिट्स अभी भी हैं, पानी अभी यहीं से बहता है, भावनाओं की जो नदी अभी यहीं से बहती है, उसमें हमें डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। कि कंडीशनिंग को अगर हम चेंज करने हैं, वी शुड नॉट फील डिसअपॉइंटेड। क्यों? रीजन बीइंग, ये जो कार्य है बहुत हर्क्यूलियन टास्क है, बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन ये होता है, ये चेंज होता है।
तो इस बात को हमें समझना चाहिए दैट अल्टीमेटली संस्कार आर मेड बाय अस, द हैबिट्स आर मेड बाय अस. फर्स्टली वी मेक हैबिट्स एंड देन हैबिट्स मेक अस. फर्स्ट वी मेक हैबिट्स एंड देन हैबिट्स मेक अस. और हैबिट्स में भी अगर आप देखेंगे ना, बुरी आदतों में भी, कंडीशनिंग में भी, जो बुरी आदतें हैं वो जल्दी लगती हैं, अच्छी आदतें लगने में टाइम लगता है, बुरी आदतें झटके दिन लग जाती हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑलरेडी खराब है. खराब सॉफ्टवेयर के अंदर खराब बातें, खराब हरकतें जल्दी आ जाती हैं. इसलिए बुरी आदतें जल्दी लगती हैं, अच्छी आदतों को लगाने में टाइम लगता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की रीडिंग हैबिट नहीं है, अब रीडिंग हैबिट कल्टिवेट करने में उसको टाइम लगता है. पहले 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ऐसे करते 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 जाकर के उसकी रीडिंग हैबिट बनती है. पर बुरी हैबिट अरे तुरंत लगती है. वाई? बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग टेस्ट फॉर लो क्लास थिंग्स. लो क्लास चीजों के लिए टेस्ट ऑलरेडी है. तो जिसके लिए ऑलरेडी टेस्ट है उसके लिए तो हल्की सी फैसिलिटी चाहिए बस. दैट्स इट. एंड देन वी आर गॉन, फिनिश्ड. तो इस प्रकार से वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस. लाइक बैड हैबिट्स के लिए बताया जाता है, बैड हैबिट्स इन द बिगिनिंग दे आर द कॉब वेब एंड देन दे बिकम स्टील वेब. ये स्टील की जो तारें होती है ना वैसी बन जाती हैं. शुरू शुरू में कैसी होती है? कॉब वेब की तरह होती है, यानी कि मकड़ी जैसा जाला होता है ना. तो आदतों को शुरू शुरू में चेंज करना आसान है, जितनी ज़्यादा आदतें गहरी होती जाती हैं उनको चेंज करना उतना मुश्किल होता जाता है. और इट बिकम्स डिफिकल्ट एक्चुअली, क्योंकि कंडीशनिंग जो है हमारी और थॉरो होती जाती है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, एंड दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. इसलिए ओल्ड एज में लोग अपनी बुरी आदतों को नहीं चेंज करवाते. दे कैन नॉट चेंज. वाई? क्योंकि जीवन भर जो कार्य किया है वो रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है. एक बार अकबर में और बीरबल में बातचीत चल रही थी, तो अकबर ने कहा देख बुढ़ापे में आके लोग स्पिरिचुअल बन जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं. बीरबल ने कहा ना नहीं, जहाँ पर ऐसा नहीं है. अकबर ने कहा अरे लोग, अरे बुढ़ापे में तो अपने आप मन लग जाएगा उसको प्रभु में भाई. कहते ना ना ना, जहाँ पर ऐसा नहीं होता, इच्छाएं जवान रहती हैं, शरीर बूढ़ा होता है बस. अच्छा रियली? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ. तो आपके साम्राज्य में एक व्यक्ति है, मरणासन है, कभी भी मर सकता है वो. आइए उसका हालचाल पूछने के लिए चलते हैं. कहते हाँ बिल्कुल, चलो चलो. नहीं बीरबल ने कहा लेकिन आपकी जो जवान बेटी है ना उसको साथ लेके चलिए. अच्छा उसका क्या नाम? कहते बस आप लेके चलिए. चलो जी लेके चलते हैं. तो अकबर जो है बीरबल के साथ अपनी बेटी के साथ पहुंचा उस व्यक्ति के पास जो मरने वाला है, शरीर मतलब ही कैन डाई एट एनी मोमेंट. तो उससे हालचाल पूछ रहा अकबर, और अभी क्या दवाई ले रहे हो आप, क्या हालचाल है आपका, तबीयत कैसी रहती है अभी आपकी, ये बातचीत चल रही थी. तो मर रहा है वो, अभी ये दवाई ले रहा हूँ, दवाई के बारे में बता रहा है, बातचीत कर रहा है अकबर के साथ, आंखें टिकी हैं बेटी के ऊपर. उस वक्त बीरबल ने कोनी मारी, कहते जहाँ पना, जहाँ पना आँखें देखिए इसकी, आँखें कहाँ पर हैं? उन्होंने कहा आँखें मेरी बेटी के ऊपर लगी हुई हैं इसकी, मरने वाला है. इसको बोल भी दिया जाए ना तो जादू भोग कर ले, नहीं कर सकता, मरने वाला है, कुछ नहीं होने वाला इससे. नहीं फिर भी आंखें कहाँ टिकी हैं? जहाँ पना, जहाँ पना, हाँ जहाँ पना. अरे तो एक कंडीशनिंग इतनी थॉरो होती है कि व्यक्ति अगर मरने वाला भी होगा ना, अरे बस जिसने जिंदगी भर लाइन मारी है तो बुढ़ापे में क्या करेगा, वो स्क्वायर मारेगा, सर्कल मारेगा? नहीं, बुढ़ापे में भी लाइन ही मारेगा. तो अकबर, अरे राजा है भाई, कम से कम उसकी बेटी को छोड़ दे, पर मरने वाला है तो भी आंखें कहाँ टिकी हैं अकबर की बेटी के ऊपर. देखा जहाँ पना ये देखिए, शरीर बूढ़ा हुआ है लेकिन इच्छाएं जवान है. हमने सुने ये टर्म ठरकी बुढ़ा, ये ठरकी बुढ़ा वही होता है जिसने जीवन और भक्ति नहीं की होती ना, तो उसकी आंखें मुंह से बोलेंगे बेटी, अंदर भावना ही नहीं होती बेटी वाली. आओ पास आओ, पास आओ, हमारे आशीर्वाद दो हमसे, हम छू के आशीर्वाद देते हैं. तो ठरकी बुढ़े का मतलब ये होता है कि बाबूजी बूढ़े हो गए लेकिन इच्छाएं जवान है बाबूजी की. हाँ इंद्रियां जो हैं वो तो ब्लंट हो जाती हैं लेकिन इच्छाएं शार्प रहती हैं. तो शरीर जो होता है वो ब्लंट हो जाता है, इंद्रियां जो हैं वो ब्लंट होती हैं,
अब इंद्रियां काम नहीं कर रही है, लेकिन इच्छाएं व्यक्ति की जो है उसे वो कराती हैं जो वो नहीं कर सकता अब। थॉरो कंडीशनिंग। और ये कंडीशनिंग मतलब कहाँ से आती है? ये कंडीशनिंग आती है हमारे कर्मों से भी। हमारे कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिलता है, हमारे कर्मों के अनुसार हमारे मन बुद्धि अहंकार बनते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार। एंड देन वी आर कंडीशन टू एक्ट एज पर द बॉडी, एज पर द माइंड, एज पर द इंटेलिजेंस, एज पर द ईगो, जो हमें कर्मों के अनुसार मिला हुआ है। यस, जैसे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही माना जाता है बस शिद्दत होनी चाहिए, शिद्दत। अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो एक कायनात षड्यंत्र रचती है कि आपको उस चीज से मिला दे। अच्छा सर, तो मतलब जिसको जो आज तक प्राप्त हुआ है वो शिद्दत से हुआ है? कैसा है? कितने ऐसे सफल लोग हैं उन्होंने कोई शिद्दत नहीं थी उनके अंदर, लग गए भाई वो। पिताजी ने कहा नालायक तेरे से स्कूल पढ़ाई वढ़ाई तो होनी नहीं है, आ जा मेरा रियल एस्टेट के बिजनेस में आ जा। उसने रियल एस्टेट का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, करोड़पति हो गया वो। और उससे को पूछे सर आज आप इतने सफल बिजनेस टाइकून हैं, क्या आप पे बहुत शिद्दत थी? क्या शिद्दत तो ना आती थी मेरे अंदर, मेरा क्या है मेरे नंबर नहीं आ रहे थे स्कूल में, पापा बोले आ जा मेरे रियल एस्टेट के बिजनेस में आ जा, तो बिजनेस हमारा चल रहा है, पैसा आ रहा है और मैं करोड़पति हो गया। अच्छा, आप शिद्दत कभी नहीं थे? ना है, कभी नहीं थे शिद्दत, तो कभी नहीं थे, बस पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया मैंने और फिर मैं करोड़पति हो गया। मैं मेरे अंडर में ये IIM और IIT के लड़के, मैं इनको हायर करता हूँ, मैं खुद 10वीं फेल हूँ, लेकिन मेरे नीचे कौन काम करते हैं? IIM वाले और IIT वाले मेरे अंदर काम करते हैं। बड़ी शिद्दत है इसके अंदर, तभी सवाल हो गए ना है। उसके भाग्य में था, दैट्स इट। और कितने हैं शिद्दतों से लगे हुए हैं, किसी के पीछे लगे हुए शिद्दतों से, अपना खून का निकालते यहाँ से ब्लेड मार करके, फिर उस खून में अपना पेन लगाते हैं, फिर लिखते हैं माय डियर सेन्यूरिटा, ये लेटर में अपने खून से लिख रहा हूँ, मेरा सच्चा प्यार, रोजेज आर रेड, द स्काई इज ब्लू, ओ माय सेन्यूरिटा, आई लव यू। ये उसने खून से लिखा अपना शिद्दत, पर वो किसी और के साथ भाग गई वो, और उसने कहा बस अभी तो मैंने एक ही काटी थी, अब दूसरी भी काटता हूँ। कितने शिद्दत वाले मजनू होके मर लिए हो, तो इनकी शिद्दत तो पूरी हुई नहीं, पूरा जोर लगाया जबकि इन्होंने, मैं काबिल बन आदमी इंसान बन के दिखाऊंगा, मैं कुछ कर दिखाऊंगा और फिर मैं तुम्हारा हाथ मांगने के लिए तुम्हारे पिताजी के पास आऊंगा। जब तक ये हुआ तब तक वो तो निकल गई, बाबुल की दुआएं लेती जा, हो गया। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बकवास। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बेसिकली बकवास होता है। लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार जब किसी को कुछ मिल रहा होता है तो फिर वो अपनी बायोग्राफिकल स्टोरी निकालता है, वेल बचपन से ही मेरे अंदर ये इच्छा थी कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं कुछ खास करूंगा, कुछ कर दिखाऊंगा। एक्चुअली व्हाट ही गॉट वाज एज पर लॉ ऑफ कर्मा। फिर वो काम भी करता है, उसे काम सफल भी हो जाता है, लोग मिल जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है उसको, लोग और पैसा आ जाता है, उसका माल चला जाता है, वाह वेरी नाइस। बट वी आर कंडीशन बाय इवन लॉ ऑफ कर्मा एज वेल। पर लॉ ऑफ कर्मा के बारे में कोई नहीं बात करता, क्यों? लॉ ऑफ कर्मा से यार कंट्रोल हाथ से चला जाता है, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कंट्रोल आपके हाथ में है। इसलिए ये वाली थ्योरीज, ये वाली फिलॉसफीज लोगों को बहुत पसंद आती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यस, शिद्दत चाहिए, शिद्दत। आप देखो इवन शिद्दत भी हमारे हाथ में नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, अपने अंदर ऐसी शिद्दत लेकर के आइए, समोसा खाने की शिद्दत लेकर के आइए, लेकर के आइए, आप ले आओगे? समोसा खाने की शिद्दत, हाँ समोसा आ जा, समोसा आ जा, समोसा आ जा, पर एक्चुअली देखो शिद्दत नहीं आ रही होती। तो इवन किस चीज़ के लिए शिद्दत होनी है, नहीं होनी है, इवन शिद्दत भी हमारे बस में नहीं होती। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली है क्या? ये धोखा है, ये धोखा है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बाप है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा की बात कोई नहीं करता, और लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर आता है लॉ ऑफ भक्ति, लॉ ऑफ लव, उसके बारे में तो खैर कोई दूर दूर तक बात नहीं करता। लॉ ऑफ कर्मा के बारे में फिर भी कुछ लोग बात कर लेंगे, जैसे बुद्धिस्ट हो गए कर्मा की बात कर लेंगे, है ना, तो कुछ ना कुछ जैसे और सोसाइटी वाले भी हैं, कुमारी कुमार वाली ऐसे सोसाइटी हैं, वहाँ भी वो लोग बात कर लेंगे लॉ ऑफ कर्मा की, लेकिन लॉ ऑफ लव की बात कोई भी नहीं करता। सबसे ऊपर का लॉ है लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ भक्ति, जो कि लॉ ऑफ कर्मा का भी बाप है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही बाप है वो।
तो सबसे ऊपर का लॉ है लॉ ऑफ लव, उसके नीचे आता है लॉ ऑफ कर्मा, उसके नीचे आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन सब लो क्लास वाले लॉ की बात कर रहे होते हैं, क्यों? इसमें कंट्रोल हाथ में आता है, बस दैट्स इट। सो इन दिस वर्ल्ड वी सी दैट पीपल हैव सच थॉरो कंडीशनिंग, ईदर बिकॉज ऑफ बॉडी माइंड कर्मा सराउंडिंग्स, सराउंडिंग से भी कंडीशनिंग होती है। आप देखो कई बार ना कॉलेज के अंदर लड़के जाते हैं, वैसे बड़े शोधे होते हैं, उन्हें मतलब अच्छे परिवार से हैं, अच्छे संस्कार हैं, अच्छी भावनाएं उनके अंदर, लेकिन सराउंडिंग्स अगर खराब होती हैं, यानी दोस्त हमारे वाले जो है उसके जो टपोरी काइंड ऑफ दोस्त हैं उसके, तो दोस्तों की सराउंडिंग में ना ही डेवलप्स बैड हैबिट्स। जैसे पहले वो गालियाँ नहीं दिया करता था, जो बुरी संगति में क्या होता है, गाली दे करके शुरुआत होती है, प्रीफिक्स गाली, सफिक्स गाली, बीच में मैसेज। लेकिन ये आता कहाँ से है, ये आता संगति से। सो अर्लियर ही वॉज नॉट लाइक दिस, उसके अंदर ये वाली कंडीशनिंग नहीं थी पहले। लेकिन जब दोस्तों के संग में आता है, कॉलेज में आता है, तो किसने पहला अभ्यास लगाया, अबे सफिक्स लगाओ तो ये गाली लगाओ, प्रीफिक्स लगाओ तो ये वाली गाली लगाओ, इस तरह से सेंटेंस बनता है। अगर वैसे बात नहीं कर रहा होता, कहता है क्या दूपिया बच्चा है क्या तू, जैसे हम बोल रहे हैं ना वैसे बोल, प्रीफिक्स में ये वाली गाली लगा, सफिक्स में ये वाली गाली लगा, कहता हाँ सर और सर बस, फिर वो भी शुरू हो जाता है बस, फिर गाड़ी चल पड़ी फर्स्ट ईयर में, तो फिर वो फोर्थ ईयर तक चलती है, उसके बाद भी चलती रहती है। सो संगति की भी कंडीशनिंग होती है एक्चुअली। वी गेट डिजायर्स, वी गेट हैबिट्स, वी गेट प्रोक्लिविटीज एज पर द सराउंडिंग्स, तो उसकी भी कंडीशनिंग है, ये भी कंडीशनिंग होती है। इनफैक्ट आप देखिए जो पूरा वर्णाश्रम सिस्टम है, वर्ण और आश्रम, इसके ऊपर सेशन आपने सुना होगा राइट, वर्णाश्रम के ऊपर, पर वर्णाश्रम कैटर्स टू द कंडीशनिंग ऑफ द पर्सन। यानी कि अपना जो प्रोफेशन भी चुनेंगे तो आप ही कंडीशनिंग के अनुसार चुनते हैं, देन यू आर हैप्पी इन दैट प्रोफेशन। लाइक देर आर पीपल हु आर एकेडेमिक इन नेचर, उनको पढ़ाना लिखाना अच्छा लगता है, उनको उनका स्वभाव है, दे बिकम टीचर्स एजुकेटर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स, क्योंकि ये उनको अच्छा लगता है, दे आर मोर ब्राह्मिनिकल इन नेचर, एक नेचर है, नेचर ही कंडीशनिंग है। देर आर पीपल हु लाइक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करना बड़ा अच्छा लगता है, इसको यहाँ रखना है, इसको वहाँ रखना है, इसको पीछे करना है, इसको ऊपर चिपकाना, उसको नीचे करना, अच्छा लगता है उनको मैनेजमेंट करना। सो ये उनकी कंडीशनिंग है। इस तरह से कुछ लोग हैं जिनकी कंडीशनिंग है रोकड़ा की, थोड़ा अंडर द टेबल, थोड़ा अबव द टेबल। सो ऐसी कौन सी क्लास है, बिजनेस क्लास वाले को बोलोगे ना, बोलोगे ना अगर आप नौकरी कर ले भाई 9 to 5 की, ऐसा नौकरी ना होती हमसे, ये नौकरी वोकरी ना होती, हमें चेक साइन करके देना बड़ा अच्छा लगता है, ये नौकरी वोकरी नहीं होती हमने, ये 9 to 5 की नौकरी, हाँ बिजनेस। ऐसे एक देयर वाज वन मारवाड़ी बॉय, उसका नाम था जिग्नेश, और ही वाज इन यूके, तो वहां पर टीचर ने पूछा हु इज गॉड, कौन बताएगा? तो एक देयर वाज वन बॉय, उसने बोला नो, सो ही सेड हु इज द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, टीचर ने पूछा। सो एक बच्चे ने खड़े होकर बोला वेल महात्मा गांधी, वेल नॉट रियली, बैठ जाओ, कौन बचाएगा, हु इज द ग्रेटेस्ट पर्सन, कौन बचाएगा। तो जिग्नेश ने हाथ खड़ा कर दिया, बताओ जिग्नेश, यस हु इज द ग्रेटेस्ट पर्सन, उसने बोला जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेटेस्ट पर्सन, यस राइट आंसर, तुमको इनाम मिलेगा। फिर उसने $100 लेकर के जिग्नेश को दिए, और जिग्नेश ने अपनी जेब में रख लिया। क्या जिग्नेश, लेकिन तुम बताओ, तुम तो एक हिंदू हो, तुमने कैसे बोला जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेटेस्ट पर्सन? तो जिग्नेश ने बोला मैम ये तो मैं भी जानता हूँ, ग्रेटेस्ट पर्सन इज लॉर्ड श्री कृष्णा, बट फॉर जिग्नेश बिजनेस इज बिजनेस। कंडीशनिंग है उसकी, राइट? सो देयर आर पीपल हु आर मोर ड्रिवन बाय बिजनेस मेंटालिटी लाइक दैट, तो ये उनकी कंडीशनिंग है। इसी प्रकार से ऐसे लोग भी हैं, दोज हु वांट टू डू एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विसेज, मतलब चीजें यहाँ वहां हिलाना, बेसिक बहुत सोचना मरगा नहीं, लेकिन हाँ जो काम दिया उसको काम कर देना, एग्जीक्यूटर्स, जिसको कि वर्ण सिस्टम बोलते हैं बेसिकली, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र।
लेकिन वास्तव में ये भी क्या है, ये है प्रोफेशनल इंक्लिनेशंस, यानी कि व्यक्ति का जैसा स्वभाव होगा उसी हिसाब से वो अपना प्रोफेशन चुनता है. देर आर पीपल हु आर ब्राह्मणिकल इन नेचर, देर आर पीपल हु आर मैनेजर्स, देर आर पीपल हु आर एडमिनिस्ट्रेटर्स, देर आर पीपल हु आर बिजनेस क्लास, देर आर पीपल हु आर सर्विस एग्जीक्यूटर्स, और इनका स्वभाव है और उनको ये करके अच्छा लगता है. अगर बिजनेस क्लास वाले को बोलेंगे यू डू सम ब्राह्मणिकल वर्क, कहता है अरे साहब ये पढ़े लिखाई का काम हमसे नहीं होता यार. या जो सर्विस एग्जीक्यूटर उसको बोले अगर कि पढ़ा लिखा दे, कहते हैं अरे भाई ये किताबों वाली चीजें दूर रखिए साहब हमसे, कोई काम बताइए, कुछ उठा पटक करनी हो अभी कर देंगे. सिमिलरली समबडी इज ब्राह्मणिकल इन नेचर, उसको बोले भाई गमले उठा दो यहाँ से वहाँ उठा दो, ओ लो जी उसने गमले यहाँ से वहाँ उठा दिए, फिर लगाएगा आयोडेक्स हिमानी फास्ट रिलीफ, अरे ऐसा हमसे किताब वाला काम तो हो जाता है, ये भारी भरकम काम नहीं हो पाता हमसे. बिकॉज उसका साइकोफिजिकल नेचर है ये. सो वी आर कंडीशन बाय आवर साइकोफिजिकल नेचर, उसी के अनुसार जो है व्यक्ति कार्य करता है, ऐसा होता है. अब इसका वाला सोल्यूशन क्या है, कंडीशनिंग तो है ही है, कंडीशन भी है कंडीशनिंग भी है, तो इसका वाला सोल्यूशन क्या है, किस प्रकार से इस कंडीशनिंग से हम लोग निकलें. सो फर्स्टली वी हैव टू एम्प्लॉय दोज सेम एक्टिविटीज, दोज इंक्लिनेशंस एंड प्रोक्लिविटीज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर रोकड़ा बड़ा पसंद है, रोकड़ा रोकड़ा पैसा पैसा, कोई बात नहीं सर, यू डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, बुक्स बांटेंगे, पैसा लेके आएंगे, और पैसा हुई और पैसा हुई पैसा, और इस प्रकार से उनकी जो इंक्लिनेशन है टू गेट मनी इट बिकम्स प्यूरिफाइड. किसी को गाने का बड़ा शौक है, जैसे कहीं देयर आर पीपल हु सिंग सो वेल, इतना बढ़िया गाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अपने गाने की जो प्रोक्लिविटी है इस इंक्लिनेशन को लगा दिया, कीर्तन को गाने में लगा दिया और घंटों घंटों कीर्तन करते हैं वो, तो उनकी जो कंडीशनिंग है इट बिकम्स प्यूरिफाइड. अगर किसी को मैनेजमेंट करना बड़ा पसंद है, यस लेट मी मैनेज थिंग्स, तो क्या करेंगे, वो कैंप ऑर्गेनाइज कर देंगे, कैंप को मैनेज करेंगे, मंदिर को मैनेज करेंगे, डूइंग सम काइंड ऑफ सर्विसेज, और से वी गो टू यात्राज वृंदावन मायापुर, दे मैनेज एवरीथिंग, तो उनकी जो मैनेजमेंट करने की जो प्रवृत्ति है इट बिकम्स प्यूरिफाइड, ये शुद्ध हो जाती है. तो हर एक एक्टिविटी को जो हम कृष्ण के संबंध में करना शुरू करते हैं, इन कनेक्शन टू लॉर्ड श्री कृष्णा, दैट प्रोक्लिविटी बिकम्स प्यूरिफाइड, और ना सिर्फ प्यूरिफाई बल्कि वी गो बियॉन्ड दैट प्रोक्लिविटी, यानी हमारे अंदर जो संस्कार है, जो कंडीशनिंग है, उस कंडीशनिंग के हम परे जा पाते हैं सेवा करके. सेवा करने से हमारे संस्कार शुद्ध होते हैं, तो संस्कार अच्छा. लेकिन सेवा भला कौन करता है, ध्यान योगी करता है, नो. कर्म योगी, नो. ज्ञान योगी, नो. सेवा कौन करता है, भक्ति योगी. इसीलिए संस्कारों को शुद्ध करने की सबसे ज्यादा फैसिलिटी अगर है तो भक्ति योगी के पास है. रीजन बीइंग ही इज एंगेज्ड इन सर्विस, सेवा में एम्प्लॉयड है वो. सेवा करके अपनी वो पर्टिकुलर जो एक्टिविटी को लेकर के उसका साइकोफिजिकल नेचर है उसके परे जा पाता है वो सेवा करके, राइट. सेकेंड जो चीज है जिससे कि हमारे संस्कारों की जो कंडीशनिंग है उसे बाहर आ पाते हैं वो है चैंटिंग हरे कृष्णा. एक ऐसा कार्य जो कि हमने पहले कभी नहीं किया, एक ऐसा कार्य क्योंकि हमने पहले कभी नहीं किया, इस चीज को लेकर स्ट्रगल भी होता है. जपा करते करते हरे हरे राम राम राम, या मन का भटकना हरे कृष्ण राम राम, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, राइट. सो मन का भटकना या डल फील करना, फिर हम आते नहीं, नहीं नहीं वो जपा करना है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. मन फिर मैं बीच में भटका, ओए मुखोड़ा 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 मुए मुए मुए. कंडीशनिंग. तो कंडीशनिंग की वजह से होता क्या है, हम जपा करने में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन यही जपा करते 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 फिर से अपने आप को लगाते चैंटिंग में, फिर से लगाते अपने आप को चैंटिंग में, फिर से लगाते अपने आप को चैंटिंग में, इसकी वजह से वी आर एबल टू चेंज द संस्कार. बिकॉज साउंड वाइब्रेशन से क्या होता है, हमारे संस्कार चेंज होते हैं साउंड वाइब्रेशन से. जैसे कि मैंने आपको आटे का एग्जाम्पल दिया था, आटे में अगर आप इफ यू मेक द लाइन्स उसे ग्रूव्स बनते हैं, लेकिन अगर आप किसी वाइब्रेटर के टच में डालो, आटा जो होता है ना आटे को वाइब्रेटर में डालो, तो आटा क्या होता है करते करते क्या होता है ना, उसके जो ग्रूव्स बने हुए हैं ग्रूव्स भर जाते हैं उसके, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस. साउंड भी क्या है, वाइब्रेशन. इस वाइब्रेशन से हमारे मानसिक पटल के ऊपर जो हमारे संस्कार बने हुए हैं वो हिलते हैं,
साउंड वाइब्रेशन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माइंड के ऊपर अब जो संस्कार बने हुए हैं दे स्टार्ट गेटिंग फिल्ड अप, स्पेशली नेगेटिविटी के जो संस्कार हैं। तो इसीलिए कंडीशन और कंडीशनिंग को जीतने के लिए बहुत जरूरी है भगवान का नाम लेना। आपको दिक्कत जाएगी, दोस्त स्टार्ट चैंटिंग इन द बिगिनिंग द स्ट्रगल, मन भटकता है, क्यों? क्योंकि इसके संस्कार अभी नहीं है, इसके संस्कार अभी बनाने हैं। लेकिन जब इसके संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं तो बाकी संस्कार जो होते हैं, जो नेगेटिविटी के संस्कार हैं, नेगेटिव संस्कार हैं, ये सारे के सारे ये डाइल्यूट होने शुरू हो जाते हैं, इनकी गहराई कम हो जाती है, दे बिकम लेस सीवियर। और इस प्रकार से जो पुरानी आदतें थी, बड़ी ऑब्सेसिव आदतें थी, धीरे धीरे होकर के दे बिकम लेस सीवियर लेस सीवियर लेस सीवियर। एंड इन दिस वे वी कॉन्कर द बैड हैबिट्स बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र लाइक दैट। एक और जो चीज़ है जो कि हेल्प करती है, अगर इमीजिएटली अगर बात करें, इज दैट डिलेइंग द रिस्पॉन्स। हमारे संस्कार हमें क्या करते हैं, संस्कार हमें पुश करते हैं टू एक्ट इन अ वे, एंड यू रिएक्ट, चक वी रिएक्ट, हे तो ऐसे क्यों क्या हुए, कहते यार वो आदत है, आदत है। ऐसे मेरे को अगर कोई मेरे ऊपर उंगली उठाता है तो भाई भी आदत है। सो ये व्यक्ति का सेकंड नेचर है। लेकिन आप देखो क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में मान लो अगर बॉलर अगर अनाउंस अपील कर दे बीच में, आउट, उसने ऐसा कर दिया तो अंपायर क्या करता है, ओए ओए इतनी अच्छी अनाउंसमेंट की है, आउट दे ही देता हूं, आउट। ऐसा होता है, ऐसा होता है, भले ही कोई कितनी अच्छी अपील कर ले, शोएब अख्तर, ओ एक तो रावल पिंडी एक्सप्रेस उसके ऊपर से उसने अपील भी ऐसे करी, और अंपायर कहे इतनी यार प्यारी अपील में आउट देना बनता है भाई, क्या भले ही वो आउट है या नहीं है लेकिन भाई मैं आउट दे रहा हूँ, अपील ही इतनी अच्छी की है इसने। ऐसा होता है, नहीं होता ना, भले वो कितनी अच्छे से अपील कर ले अंपायर फिर भी क्या करता है, सोचता है नॉट आउट। अंपायर कहते ना इट्स नॉट आउट, नॉट आउट, नो बॉल। सो अंपायर कभी भी ना बॉलर की अपील से अगर अफेक्ट नहीं होता, वो भले वो बॉलर कितना अच्छे से बोलता हाउ नॉट आउट, नॉट आउट। यानी अंपायर को अपना कॉन्शियस थिंकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए टू टेक द डिसीजन। इसी तरह से हमारी इंद्रियां, हमारे संस्कार, ये भी बीच में अपील करते हैं, भोग कर ले, मजा कर ले, तो हम क्या करेंगे, हाँ यार कर लेना चाहिए यार, इंद्रियां इतनी बोल रही हैं यार, तो कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लेते हैं, नहीं उस वक्त सोचना चाहिए नो बॉल, नो बॉल, डेड बॉल, डेड बॉल, डेड बॉल। सो उस वक्त देन वी हैव टू बी कॉन्शियस, तो ठहराव के साथ कार्य करना बहुत जरूरी है। अगर हम इंद्रियों के अगर आउटसाइड के ऊपर, उनके भोग की इच्छाओं के ऊपर तुरंत रिएक्ट करते रहेंगे तो उससे हमारी कंडीशनिंग और ज्यादा सीवियर होती रहेगी। सो बाय डिलेइंग द एक्शन उससे भी हमारे संस्कार जो है वो वीक पड़ते हैं। वेन वी आर वेरी रिएक्टिव इन आर संस्कार प्रोवोकेशन में, तो उससे वो कंडीशनिंग और गहरी होती रहती है, डीप होती रहती है, लाइक दैट। तो इसीलिए ठहराव का इस्तेमाल करना, सात्विकता का इस्तेमाल करना। सो जितने ज्यादा हम सत्वगुण में आते जाते हैं उतने ज्यादा हमारे इंद्रियों को नियंत्रण करना आसान होता जाता है वास्तव में। सो इसीलिए इंद्रियों के या संस्कारों के प्रोवोकेशन में आकर के इमीडिएटली उसे चक्कर में नहीं आना आ जाना चाहिए, ठीक है जी। एक और जो चीज़ है जो कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसकी वजह से हम संस्कार को जीत सकते हैं, वो है संगति, एसोसिएशन। जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, हम कई चीज़ें, देखो कैंप में आप लोग आए हो ना, आप कई चीज़ें ऐसी कर रहे हो जो कि आपने जिंदगी में कभी नहीं, नहाना हो, 4 बजे उठ गए आप, उसका ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, उस दिन में उसका 4 घंटे सो रहे हो आप, कभी नहीं सोए 4 घंटे भाई, कभी एग्जाम में टाइम कभी कर दिया करते थे, अदरवाइज 8 घंटा। बट देर आर मेनी थिंग्स विच आर डूइंग, वाई? बिकॉज ऑफ एसोसिएशन, संगति की वजह से।
तो जब प्रेरणा मिलती है हमें, हम जो संगति में आते हैं, जैसे आपने कई सारे ब्रह्मचारी को यहाँ पर देखा, यूजली गेरवा कपड़े वालों का ये कहता है, भाई साहब कैसा है यार, ये तो वही होते हैं। पर आपने कई सारे डिबूटी देखा, वेद चैतन्य प्रभु को देखा, बलि मुरारी प्रभु को देखा, वसुधा प्रभु को देखा, कई सारे और ब्रह्मचारी को आपने देखा, उनको देखिए ना, आपको प्रेरणा मिली, अरे यार इनका भी बड़ा शुद्ध जीवन है भाई, इतनी सिंपल लाइफ है, लाइफ में कोई लोभ नहीं, कोई मटेरियलिस्टिक एम्बिशन नहीं, क्या जीवन है यार, हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। यहाँ आ करके व्हेन यू ऑब्जर्व, उससे प्रेरणा मिलती है, यार ये जीवन, ये लाइफ है यार, इसमें भले ही कोई पैसा ना हो, कोई बैंक अकाउंट ना हो, कोई गाड़ी बंगला ना हो, नहीं कितना संतोष है, कितनी संतुष्टि है जीवन में यार, सेवा है बस, प्रभु की सेवा, बाकियों की सेवा, और इतना अपना कोई स्वार्थ ही नहीं है। हाँ यार क्या लाइफ है भाई, ये प्रेरणा आती है, और इस प्रेरणा की वजह से फिर हम नए संस्कार बनाते हैं एक्चुअली, राइट। तो एक बार आपकी जब प्रेरणा आनी शुरू होती है, नए संस्कारों की वजह की ओर आती है, तो होता क्या है, अब भावनाओं की नदी जो पहले यहाँ बहा करती थी, तो अब यहाँ बहना शुरू करती है, वो हल्का हल्का हल्का, और एंड द पर्सन कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ। जैसे अगर आप देखिए जो स्पेस शटल होता है ना, स्पेस शटल को अगर आकाश में भेजना है, इन द स्पेस वी नीड एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल से उसको बाहर भेजना है, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर भेजने के लिए मुझे क्या चाहिए, एस्केप वेलोसिटी। उसी तरह से कंडीशंस और कंडीशनिंग की जो इग्नोरेंस की जो ग्रेविटेशनल पुल है, उसके बाहर जाने के लिए हमको चाहिए एस्केप वेलोसिटी। और वो एस्केप वेलोसिटी क्या है, वो एस्केप वेलोसिटी है एसोसिएशन, प्रेरणा। प्रेरणा भला कहाँ मिलती है, प्रेरणा संगति में मिलती है, और इसीलिए हम फिर वो चीज़ें सोच पाते हैं जो हमने कभी सोची नहीं थी कि मैं करूँगा, बिना थॉट ऑफ इट। लेकिन संगति में आके जो प्रेरणा आती है, वी गेट दिस एस्केप वेलोसिटी टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ इग्नोरेंस, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ नेगेटिव संस्कार, ग्रेविटेशनल पुल से हम बाहर आ पाते हैं। तो इसीलिए एसोसिएशन प्लेज सच अ वाइटल रोल। अब देखिए जितना आप ये एसोसिएशन अभी हैं कैंप के समय में, यू फील सो इंस्पायर्ड टू डू भक्ति, राइट। अब भले अपने स्थान पर जाएंगे तो हो सकता है इंस्पिरेशन थोड़ी नीचे जाने शुरू हो जाए, क्वाइट पॉसिबल, ये होता है, नेचुरल है। बट अगेन व्हेन यू कम इन एसोसिएशन, अगेन यू आर हाइटेंड, योर डिटर्मिनेशन, योर डिजायर्स टू बी कृष्णा कॉन्शियस, टू बी स्पिरिचुअल, फिर से ये हाइटेंड हो जाती है संगति की वजह से। तो इसीलिए हमको संगति का ध्यान देना चाहिए। व्हेन वी आर नॉट चूजी अबाउट एसोसिएशन, वी बिकम चूजर। हमें चूजा नहीं बनना, हमें चूजी बनना है, किसमें, एसोसिएशन को लेकर के। देखिए वहीं पर विराम दूंगा, हरे कृष्णा।